एमपी के भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाई। इस दौरान पटेल ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आमजन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, जनता मोदी सरकार की कार्य योजना से खुश है। इस दौरान पटेल ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। और इसलिए आज पूरे देश में कहीं गंदगी दिखती है, कहीं पान की थूका वो दिखता है हॉस्पिटल में भी या कहीं भी, ताकि काफी बड़ा बदलाव। तो ये परिवर्तन आया है, एक प्रधानमंत्री जिसके प्रति जनता का विश्वास है, क्योंकि वो जो कहता है वो करता है, कथनी और करनी एक है। हमारे नेता अच्छे है, हमारी नीति अच्छी और हमारी नीयत अच्छी है, और इसलिए जनता पर उसका असर होता है। और अब पूरा देश की जनता के अंदर स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्रवान और देशभक्ति की भावना से उपयुक्त होकर सब लोग मिलकर जब काम करेंगे तो ये दुनिया में भारत सिरमौर होगा, और भारत ही है जो दुनिया में सुख शांति अमन चैन का संदेश देगा, क्योंकि विश्व कुटुंब हम मानते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं, और जितनी भी समस्या है वो भागेगी। एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, वो कहते थे दिल्ली से जितना नेता हूँ हमें आते आते 15-20 ले जाते, 85 दलाल खे जाते, तो दलाल भी उनके थे सरकार के, और मोदी जी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसके कारण वो प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जनधन खाते खुलवाते हैं, सीधे खातों में पैसे ट्रांसफर होते हैं, और इसलिए एक पैसा भी कोई नहीं खा सकता। कोई कल्पना कर सकता था कि गरीबों तक सीधा पैसा पहुंच जाए, प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधा जा रहा है, और अधिकारी गए और किसी को नहीं खाने दे रहे, लेकिन जिसके लिए दे रहे हैं, जिस काम के लिए, पहले कांग्रेस के समय में तो क्या तुम भी खा जाओ उन भी खा ले चुनी होता था, और इसलिए कुएं चोरी चले जाते थे, मकान चोरी चले जाते थे, बंदी थे, लेकिन मोदी जी ने उसकी व्यवस्था भी की है कि आपको पहली किस्त 25,000 की दी है, 40 की, तो आप पहले नींव खोदे प्लेन तक, तब दूसरी किस्त मिलेगी, जब दूसरी किस्त का पूरा काम हो जाएगा फिर तीसरी मिलेगी, छह डल जाएगा फिर प्लस, इसके कारण ये मकान बने हैं। तो उन्होंने पूरे देश की जो अव्यवस्था कांग्रेस ने कर दी थी, स्वार्थी बना दिया था, भ्रष्ट बना दिया था, उन सबसे मुक्ति दिलाकर जैसे वो है वैसी जनता को बनाया है, और इसलिए देश में विकास और परिवर्तन आया है, और इसलिए अब देश की जनता के अंदर भी नेतृत्व के प्रति विश्वास जाएगा। एक समय था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते थे तो श्रद्धा होती थी, कोई नेता निकलता था रोड पर लोग प्रणाम करते थे, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल में यह हालत कर दी, किसी को कहो नेताजी नमस्कार तो कहता गाली मत दे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनः वो प्रधान सुभाष चंद्र बोस जी के समय जो सम्मान था वो सम्मान वापस लेता हूँ, प्रति दिलाया उन्होंने, जो अच्छा काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, उसलिए मोदी जी के प्रति 135 करोड़ लोगों में आस्था और विश्वास है, और इसलिए अब देश आगे बढ़ रहा है।